कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी, अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 2 जून 2024 रविवार को सुबह 5:12 से हो जाएगा, जो कि 2 एवं 3 जून 2024 रविवार और सोमवार की रात 2:47 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर एकादशी 3 जून 2024 सोमवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को और वैष्णव जनों को एकादशी का व्रत 3 जून 2024 सोमवार को ही रखना है एवं एकादशी व्रत का पारणा, व्रत खोलने का समय 4 जून 2024 मंगलवार की सुबह 5:38 से 7:38 के बीच में कर लेना चाहिए। विष्णु हो एकादशी गीता तुलसी विप्रधे नवः असारे दुर्ग संसारे शतपदी मुक्तिदायिनी, अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन करना एवं दर्शन करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, दान करना, भोजन कराना, गौ माता की रक्षा व सेवा करना, यह 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार कराने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 एकादशी अधिक यानी कुल मिलाकर 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार, एक कृष्ण पक्ष और दूसरी शुक्ल पक्ष, दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे पुराणों एवं धर्म ग्रंथों में बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन पराए अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर दाल, कटहल की सब्जी उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन दूसरे के घर का भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा अर्चना कर एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। पद्म पुराण में बताया गया है कि एकादश्याम निराहार स्थित्वा हम परेहानि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्षम शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन भगवान अच्युत, मैं एकादशी के निराहार रहकर दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। इस तरह भगवान से प्रार्थना करें, सूर्य भगवान को अर्घ दें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करें, गौ माता का पूजन करें। इसी दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल फलाहार करें। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध व फल होते हैं। इस दिन झूठ ना बोले, क्रोध ना करें, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल ना करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते रहना चाहिए। दाढ़ी कटिंग व शेविंग ना करें। किसी का भी आप अपमान या अनादर ना करें। दिन में ना सोए, रात्रि जागरण करें। पूजन पाठ करके ब्राह्मण के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। कथा सुनने के बाद यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा भी प्रदान करें एवं शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही व्रत का पारण करें यानी कि व्रत खोलें। बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गिरधर लाल प्यारे की जय। राधा रमण लाल की जय। गिरिराज धरणे की जय। रज रानी की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुनी महारानी की जय। वल्लभाधीश की जय। गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्मा क्या है, सो कृपा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला एकादशी तथा अपरा एकादशी दोनों नामों से जानी जाती है।
पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पापों से दूर हो जाते हैं और छूट जाते हैं। इस व्रत के करने से पराई स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरक गामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक लोक में जाते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक और पूर्णिमा का स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से प्राप्त होता है वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से और शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्घ प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान और मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है और भव सागर से मुक्त हो जाता है। और इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे और उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया, अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने का उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर भगवान विष्णु के मार्ग में चला गया। बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इसे पढ़ना अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। अगला एकादशी के निमित्त ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं या अन्न दान, वस्त्र दान, गौ दान, फल दान, तिल दान अथवा पारणा के निमित्त ब्राह्मण भोजन या एकादशी व्रत उद्यापन करवाना चाहते हैं तो इस हेतु आप नगद राशि, धन राशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके एकादशी का संपूर्ण पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं और अपने एकादशी व्रत को सफल बना सकते हैं। बोली श्री गिरिराज धरण की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि।
श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो मित्रों हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।